हेलो और नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं कि बैकलिंक्स क्या होता है, बैकलिंक्स के प्रकार क्या हैं और कितने प्रकार का बैकलिंक्स होता है, और बैकलिंक्स कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएं, और जो चौथा टॉपिक होगा वो हो ये होगा कि बैकलिंक्स के निगेटिव इफेक्ट क्या हैं और लास्ट में इसके बेनिफिट क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये टोटल 5 पॉइंट आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों मेरा नाम अश्वनी सिंह है और मैं आप लोगों को SEO ब्लॉग लर्नर पर ऐसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी इस टाइप की वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले आपके मोबाइल पर। तेरी मोहब्बत ने मकान कर दिया। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था कि बैकलिंक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों बैकलिंक्स ये चीज़ होता है कि जैसे कि समझ लीजिए, एग्जांपल के जरिए मैं बताता हूँ। फेसबुक पे आपने अपनी पोस्ट का लिंक या वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया। अब समझ लीजिए वहाँ पर आपका पोस्ट शेयर हो गया, यानी कि आपका वेबसाइट का लिंक URL वहाँ पर शेयर हो गया। तो अब समझ लीजिए कोई विजिटर्स विजिट कर रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहा है। अब समझ लीजिए आपको उसी स्क्रॉलिंग के अंदर आपका पोस्ट उसके अंदर दिख गया, तो क्या करेगा, अगर उसको पोस्ट पसंद आ गया तो उस पोस्ट पर दबा देगा और डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि वो वहाँ फेसबुक से आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। तो ये होता है बैकलिंक्स, यानी कि दूसरे जगह से अपनी वेबसाइट पर लोगों को लेकर के आना, तो यही काम करता है बैकलिंक्स। अब जो दूसरा टॉपिक था, अब आप लोग समझ गए कि बैकलिंक्स क्या होता है, तो दूसरा टॉपिक जो है वो अब आपको मैं बताता हूँ। तो बैकलिंक्स के दो प्रकार होते हैं। तो बैकलिंक्स में सबसे पहला जो प्रकार है वो है डू फॉलो, और दूसरा है जो है नो फॉलो, यानी कि एक जो है वो फॉलो करके और एक जो दूसरा जो है वो नो फॉलो करके, यानी कि बिना किसी फॉलो किए बिना वो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर गलत तरीके से या किसी भी प्रकार से जो ट्रैफिक लेकर के आता है अपनी वेबसाइट पर, तो वो होता है नो फॉलो, यानी कि किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं किया और सिर्फ ट्रैफिक लेके आ रहा है, तो ये होता है नो फॉलो। अगर आप लोग चाहते हैं इस दो टॉपिक पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं और प्रैक्टिकली आपको बताऊं, तो इस वीडियो के नीचे फटाफट जाइए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि वीडियो चाहते हैं या नहीं इस टॉपिक पर, तो मैं आपको डिटेल में इन दोनों टॉपिक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये जो दो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना चाहते हैं। तो दोस्तों तीसरा तरीका है कि बैकलिंक कैसे बनाएं। अब मेन बात तो यही हो गई। तो दोस्तों बैकलिंक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे यानी बहुत सारे, मैं आपको 3 से 4 ऐसे बता देता हूँ नॉर्मल से हैं जो कि आप लोगों को ये बनाना ही चाहिए इस टाइप के बैकलिंक्स। अब समझ लीजिए कि पहला जो तरीका है वो है गेस्ट पोस्टिंग। समझ लीजिए किसी दूसरे की वेबसाइट, सबसे पहले तो उसकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर चेक करना है कि स्पैम स्कोर बढ़िया है या नहीं है। अगर वेबसाइट का स्पैम स्कोर 1% है या जी उससे कम है, तो उस पर आप जाइए, यानी कि आप गूगल में लिखिए स्पैम स्कोर चेकर, और वहाँ पर जहाँ पर आप गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हैं उस वेबसाइट का लिंक वहाँ पर डाल दीजिए और चेक कीजिए। 1 स्पैम स्कोर अगर कम है तो वहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग कीजिए, और गेस्ट पोस्टिंग अब जब आप कर देंगे तो जब वो आपकी वेबसाइट का लिंक अपने वेबसाइट में डाल देगा तो वहाँ से जो ट्रैफिक मिलता है वो बहुत ही कमाल का लाजवाब ट्रैफिक होता है आपकी वेबसाइट के लिए, और बहुत ही मदद करता है हमारी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराने के लिए। तो गेस्ट पोस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराने के लिए। अब जो लास्ट और चौथा सेकेंड जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि निगेटिव बैकलिंक्स क्या होता है आपकी वेबसाइट को यानी कि डिक्रीज करने के लिए। वेबसाइट की जो रैंकिंग अगर समझ लीजिए हाई है तो उसको धीरे धीरे रैंकिंग डाउन करते जाता है अगर निगेटिव बैकलिंक्स अगर आप लोगों ने बना लिया तो, और आपकी वेबसाइट अगर निगेटिव बैकलिंक्स के जरिए रैंक कर रही है तो समझ लीजिए आज कर रही है कल डाउन 100% होगी ही होगी। वो क्या है तो समझिए, जैसे कि स्पैम, जैसे कि समझ लीजिए किसी ऐसे वेबसाइट पे आपने बैकलिंक जाकर के बना दिया जहाँ पर समझ लीजिए स्पैम, यानी कि वो कभी किसी का बैकलिंक्स यानी कि कमेंट या कुछ भी स्वीकार ही नहीं करता, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता है, हमेशा वो हटा ही देता है, डिलीट ही कर देता है। तो वहाँ पर अगर आप लोग बनाते हैं तो हटा ही देगा, किसी फायदे का नहीं है, तो वहाँ पर आपको बैकलिंक नहीं बनाना है। बैकलिंक वहाँ पर भी नहीं बनाना है, समझ लीजिए कोई गंदी वेबसाइट है जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, आप वहाँ पर जाकर के बैकलिंक बना देते हैं, यानी कि अपने वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं, और वहाँ से जब कोई विजिटर्स आता है तो गूगल इस चीज़ को गलत मानता है और आपकी वेबसाइट का जो रैंकिंग है उसको धीरे धीरे नीचे लेके आने लगता है।
अब जो लास्ट पॉइंट है, जो हमारा लास्ट और मेन टॉपिक है, जो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव बैकलिंक्स कैसे बना सकते हैं, तो वो है दोस्तों, समझ लीजिए कि आपको ऐसे वेबसाइट से लिंक लेना है जिसकी वेबसाइट की रैंकिंग और डोमेन अथॉरिटी, यूआरएल अथॉरिटी, बैकलिंक्स और जो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब हाई होना चाहिए। यानी कि लिमिट नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए। कम से कम उसका जो डोमेन का अथॉरिटी होना चाहिए कम से कम 30 से 40 होना चाहिए। जब 30 से 40 वाले डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से अगर अपनी वेबसाइट के लिए लिंक लेते हैं, अपना वेबसाइट का लिंक वहां पर छोड़ देते हैं और वहां से जब जो ट्रैफिक आता है ना वो भी कमाल का होता है, तो ऐसे जगह से आप ट्रैफिक लीजिए जिसकी डोमेन अथॉरिटी एकदम हाई हो, क्वालिटी अच्छी हो, उसकी वेबसाइट देख के आपको मज़ा आ जाए। यानी कि विजिटर्स जो हैं वहाँ के जो कमाल के होते हैं, यानी कि इतने विजिटर्स वहाँ पे भर भर के आते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की जो बैकलिंक्स होती है वहीं से मिलती है जहाँ पर डोमेन अथॉरिटी जो है वो हाई होती है। तो ऐसे जगह से आप बैकलिंक्स लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि बैकलिंक्स कैसे क्रिएट किया जाता है और अगर आप लोग प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, मैं आपको इसके राज बताऊँगा और आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि डोमेन कैसे चेक किया जाता है, हाई अथॉरिटी डोमेन रेटिंग कैसे चेक किया जाता है, पूरा का पूरा मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा और बैकलिंक्स क्रिएट करके भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप लोग दोस्तों के साथ में जो नए ब्लॉगर्स आए हैं उनके साथ में अगर शेयर कर देंगे तो आपका साथ में उनका भी हेल्प हो जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि इससे भी खास होने वाला है।